अस्सलाम वालेकुम गाइस, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से हम लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक नज़दीक में मार्केट लगती है, बहुत सी सस्ती मार्केट है, बहुत ही लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज जो है हम लोगों का प्लान बना हुआ है, तो आज हम लोग आप लोगों को भी विजिट कराएंगे इस मार्केट को। चलो ठीक है, अभी टाइम जाया नहीं करते हाँ, हैं, चलते सीधा आगे हैं। बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग रूम से अपने निकल चुके हैं आईकॉर्डा रेजिडेंटल सिटी, और हम लोग अपने रूम से निकलते हुए अब बरामदे की तरफ बढ़ते हुए गेट की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा कंपनी का एकोमोडेशन का गेट है, गेट नंबर 3 का इनसाइड व्यू है, अलदाबी बिल्डिंग। ये हम निकल रहे हैं, हमारे साथ में जो है हमारे दोस्त हैं धर्मेंद्र एंड धर्मेंद्र गोरखपुर से हैं, और हमारे दोस्त एक हैं इस्माइल, जो अभी आपको वीडियो में नज़र आएंगे। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं, और इंशाल्लाह जो है अभी आपसे रूबरू करवाएंगे। ये हम बाहर की तरफ बढ़ते हुए, ये हमारी कंपनियों के बस हैं जिसमें लेबर आते जाते हैं। ये हम फाइनली 3 नंबर गेट आउटसाइड की तरफ बढ़ते हुए नज़दीक मार्केट की तरफ पहुंच रहे हैं। ये सब आने जाने वाले जितने भी हैं, ये सब मार्केट ही करके आ रहे हैं। सबके हाथ में जो है थैले हैं, सामान है, और बहुत ही चीपेस्ट यानी मार्केट है यहाँ। ये समझिए कि पूरे यूएई में जो है दो ही तीन मार्केट ऐसी हैं जो फेमस है यहाँ की, ठीक है। तो इसमें जैसे मार्केट में जो है आपको A to Z ऑल आइटम आपको मिलते हैं, सबसे सस्ते कम दामों में, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे वहाँ शारजा में एक मार्केट लगती है, एस भाई काम बहुत ज्यादा वेट और कर रहे थे अलफूज में एक यार। मार्केट लगती है, चले भाई, और किधर आसमान में भी एक रह गए थे? मैं मार्केट लगती है। क्रिकेट उसी तरीके से ये देख अबू धाबी में है। ये हमारे भाई साहब थे धर्मेंद्र जी, ये आने में लेट हो गए थे, तो मुश्किल नहीं है कि हम लोग आगे थे तो अभी आके मिले हैं, और ये हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी सस्ती होगी यहाँ इस मार्केट में। ये गेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पब्लिक जो है इस समय रात के जो है करीब 8:30 बजने को हैं, लेकिन भीड़ जो है अभी कम नहीं हो रही, क्योंकि ये दिन की, ये बाज़ार मुसफ़ा यानी इसको लोकल तौर पे बंगाली मार्केट के नाम से मशहूर है। बंगाली मार्केट जैसे सऊदीया में है ना, कि वहाँ पे बोलते हैं हैराज, हैराज मार्केट, हैराज मार्केट वहाँ का मशहूर है सऊदीया में, उसी तरीके से यहाँ पे बंगाली मार्केट मशहूर है। आप बढ़ते जा रहे हैं, देखते जाएं कितनी पब्लिक जो है निकल रही है शॉपिंग करके, ख़रीदारी करके। बहुत ही ये समझिए कि चीपेस्ट यानी सबके पॉकेट के लेवल का, ये समझिए सबसे सस्ता मार्केट है। मार्केट में आपको इससे सस्ता कहीं, बस आप आजमान, अलकुज और शारजा छोड़ के जो है आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एक से एक आइटम। आप देखते जाएं किस तरीके से जो है मार्केट की शुरुआत जो है होती जा रही है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट की तरफ, जो छोटे छोटे स्टॉलों में जो है हमारी मार्केटें लगी हुई हैं। ये पहली मार्केट आपको दिखाते हैं, घड़ी। घड़ी इतनी सस्ती भाई कि क्या बताऊं, ये केवल 20 दिरहम की जो है। अभी देखिएगा, मैंने उससे पूछा शॉपकीपर से, उसने केवल 20 दिरहम। अभी देखिए क्लोजर, आप देखिए कैसी है। ये सारी घड़ियां जो हैं आप देखिए, एक से एक लग्जरी वॉच जो है। बस ये है कि ब्रांडेड नहीं है, लेकिन हाँ ये ओनली 20 दिरहम। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सस्ती कि आप जो है मार्केट में आप ढूंढते फिरेंगे, इससे सस्ती भाई तो मैंने देखा नहीं है घड़ी। लेकिन एक ही, हाँ आप देखें तो बहुत मज़ा आएगा।
चलो दोस्त, देख रहे हैं आप लोग इस तरीके से जो घड़ियां देख रहे हैं, ये 5 दिरहम जो है, 5 दिरहम जो है बच्चों की घड़ियां जो है, अच्छी 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 और ये जो बड़े लग्जरीस जिस तरीके से हम लोग शोरूम में जाते हैं उस तरीके से यहाँ पे घड़ियां केवल 20 दिरहम में, 20 दिरहम में। और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये पर्स की दुकान पे गए थे, बेल्ट की दुकान पे, बहुत ही सस्ते सस्ते, 5 दिरहम, 10 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम। अरे भाई इतना सस्ता सस्ता कि अब अगर यही चीज अगर मार्केट में लेने जाएंगे ना तो करीब 50 दिरहम और 60 दिरहम से कम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इतना सस्ता देख के तो साला दिमाग खराब हो गया कि इतना सस्ता भाई किधर से लेके आते हैं, कौन सी ब्रांड का है और किधर कौन सी मार्केट है। लेकिन भाई आप जानते हो चाइना, आपको मार्केट में भाई चाइना ही आपको इतनी सस्ती चीजें जो है प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने पूरा कब्जा किया हुआ है पूरी मार्केट पे, जो है आपको हर तरह के ब्रांड जो मिलेंगे वो चाइना के। अब ये शॉल देख रहे हैं, शॉल एकदम ये बड़ी लेंथ की है और बहुत ही वजनदार है, ज्यादा नहीं महंगी है, बहुत सस्ती है बहुत सस्ती है भाई, 10 दरहम। ओफो 10 दरहम, मैं तो देख के भाई, मैं जो है देख के जो है हैरान रह गया कि ये लोग कहाँ से लेके आते हैं भाई इतना सस्ता। यही अगर दूसरे मार्केट में ले गए तो 150 रुपए से नीचे बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से शॉल हमने देखे थे। ये हमारे जूतों की मार्केट है और ये जो है ये यानी सेकेंड हैंड जो आयरन्स है, ये सब केवल 10 दरहम की भाई, 10 दरहम की चलते हालत में आप जो है आप कहीं नहीं पाएंगे ये चीज़, ठीक है, चलते हालत में है। बस थोड़ा मेन चीज़ है कि ओल्ड है, सेकेंड है, सेकेंड हैंड है, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें अगर देखेंगे ना तो कोई खराबी नहीं है, बस थोड़ा ये जो है पुराना हो जाता है तो लोग निकाल देते हैं। इसी तरीके से आप जो है जूते, ब्रांडेड जूते, और आगे बढ़ते हुए देखेंगे दूसरे आइटम्स जो है, एक से एक लग्जरियस जो है चीज़ें जो आपको जो है एकदम यानी बहुत ही सस्ते दामों में मिलेंगी। आप देख सकते हैं मेरा दोस्त जो है वो जूते देख रहा है क्योंकि ये कंपनी के जो है ऑफिस के काम के लिए जो है यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए देख रहा था, तो लेकिन फिर भी उसने नहीं लिया, देखा लेकिन बस वही है कि उसको समझ में नहीं आया, लेकिन देखा लेकिन उसको दूसरी चीज़ अभी आगे देख रहे हैं। ये देखिए आपके सामने जो है ये ग्लोब है जिसमें वर्ल्ड के पूरे मैप बने हुए हैं और हम इसके अंदर जो है अपने इंडिया को खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से जो है ग्लोब राउंड करता हुआ कितना बेहतरीन है, ये भी बेच रहे हैं भाई, मैंने प्राइस पूछा अब लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन अभी हम ले जाने के मूड में नहीं। देखिए ये इंडिया का मैप, इंडिया में देखिए कितना प्यारा सा जो है ग्लोब टाइप का जो जिस तरीके से बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगा दोस्त। आप अब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मार्केट में जो है तमाम स्टील के बर्तन हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते जाएं ये मार्केटें हैं, मार्केट में सारे इंडियंस, बंगाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फिलिपिनी और इंडोनेशियन, ये सारे लोग जितने भी हैं मुसाफा के आई कार्ड के लोग सारे जो है यहाँ पे जो है बहुत ही मजमा लगता है। अभी तो खैर मेन चीज़ है कि ये 8 बजे का, 8:30 बजे का टाइम है, तो इस वजह से लोग जो है अब निकल रहे हैं, ठीक है, हम लोग लेट हो गए क्योंकि ये मार्केट जो है 4 बजे से लेके 6 बजे, 7 बजे तक इतनी रश होती है कि आप इसके अंदर जो है चल नहीं पाएंगे, ठीक है, बिना धक्का मुक्की के। ये देखिए कंबल, कंबल यहाँ पे आपको जो है 7 किलो का केवल जो है, ये समझिए कि आपको 80 दरहम में मिलेगा, 80 दरहम बाकायदा मेन चीज़ कि डबल बेड का डबल कंबल वजनदार, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं मार्केट के प्राइस का, क्योंकि मसला ये है कि ये लोग होलसेल प्राइस में लेके आते हैं और फिर होलसेल प्राइस से जो है थोड़े फ़ायदे में जो है ये अपना बेचते हैं मार्केट में, थोड़ा कम फ़ायदा लेते हैं। जैसे मेन चीज़ कि इन्होंने 50 दरहम का पकड़ा तो इन्होंने 60 दरहम का सेल करना है इनको, मेन चीज़ ना आपको किराया देना है दुकान का, ना बिजली का बिल देना है, कुछ नहीं देना है, क्योंकि ये मार्केट जो है गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, ये मार्केट जो है गवर्नमेंट लगवाती है गरीबों की हेल्प के लिए कि हाँ जो गरीब लोग हैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें,
और बहुत सारे लोग गरीब क्या मेची, बहुत अमीर लोग भी इसमें जो है आते हैं, बस जो लोकल नहीं है वो नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी खारजी लोग हैं ये काम करने वाले लोग हैं वो भाई पूरा फायदा उठाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मुसल्ला है नमाज पढ़ने वाला, ये केवल 10 दिरहम का, बहुत सा मोटा है भाई, कि आप इसको जो है जल्दी खराब नहीं होगा। ये मेरा दोस्त है, इसने कोट देखा है, कोट वो इसको पसंद आ गया, बहुत ही कम दाम में इसने जो है सेट कर लिया। या आप बैग देख रहे हैं, बैग बहुत सारे जो है कलरफुल हैं। और आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं मार्केट, देखें कैसे मार्केट जो है अब मार्केट में आगे बढ़ते वर्किंग हुए है जा रहा है। कितने का? और देखिए 200 तमाम जो है ओनली 200। और ये देखिए ये एलईडी, एलईडी हम आपको दिखा बोल रहे थे ना, एलईडी एलईडी आपके सामने जो पड़ी हुई है 200 दरम में भाई, 200 दरम में एक चेंज तो नहीं है चलता ना? हुआ ये एसडी का है, टच स्क्रीन है और बाकायदा आपको चालू करके देगा ये, इतनी बड़ी भाई 200 दरम में आप जो है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इतनी सस्ती भाई लाया किधर से आप इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ भाई सेकेंड हैंड मार्केट है ये। इसमें आपको एक से एक डीजे आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाईफाई यानी, और तमाम तरह के इक्वायरमेंट जितने भी आप अगर बिजनेस कोई काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, तो उस तरीके से जो है, और एंटरटेन के लिए बहुत सारे आइटम हैं। आप बाजार घूमेंगे, अगर आप केवल 100, 200, 500 लेके आए तो आप अच्छी खासी तरह जो है मार्केट कर सकते हैं, बहुत तगड़ा। और ये समझिए कि बहुत सारा सामान आप ले जा सकते हैं, कि सारा सामान 5 दरम 10 दरम, 5 दरम 10 दरम 20 दरम 50 दरम से अंदर है भाई, ऐसे ऐसे सामान। ये देखो ये गन से खेल रहा है मेरा दोस्त अभी आगे बढ़ते हुए, ये सब सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भाई, इतनी सस्ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि एक बार सबको आना चाहिए, आप खरीदिए नहीं बस देखिए केवल, ठीक है? जो जरूरत अगर आपको सस्ती लगती है तो आप इसकी खरीदारी करें। इतनी ये समझिए कि बेहतरीन मार्केट हमने आज तक नहीं देखी। हाँ मैंने देखी है, वो मैं सऊदीया में था, सऊदीया में मैंने देखा था कि वहाँ पे हैराज बोलते हैं उस मार्केट को, वो सस्ती मार्केट होती है तो उसको इंडियन मार्केट हैराज बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसी मार्केट जो है 4 किलोमीटर में जो है फैली हुई है, और यहाँ पे भी ये मार्केट 4 किलोमीटर नहीं, लेकिन हाँ बस ये है कि एक 500 मीटर में ही ये छोटी मार्केट बनाया, क्योंकि जानते हैं ये यूएई है, यूएई में सारी चीज़ें जो है मैनेज यानी जगह और एरिया सब डिसाइड करके और पूरा कैलकुलेट करके बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे जो है पूरी मार्केट ऐसे ही कहीं पे भी दुकान लगा ले, लेकिन यहाँ पे जो है आपको स्टॉल का नंबर लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? यानी फुल रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको जो है ये फलों की दुकानों पे हम लोग आ गए हैं, और फलों की दुकान में इतने क्या बताऊँ, मार्केट में आपको इतने सस्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मंडी से उठाते हैं और डायरेक्ट आपको जो है हैंड ओवर करते हैं। तो बस इनको इनका बस केवल लाने का खर्च और केवल प्लास्टिक की जो पैकिंग करते हैं वही खर्च देना पड़ता है भाई, अनार और ये सब सारी जितनी भी सब्जियां हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सजाई हुई हैं, और ये मार्केट का रश देखिए, मार्केट में कितनी रश है, ठीक है? ये अभी मेन चीज 9:30 बजे का टाइम होने वाला है, और हम लोग देख रहे हैं नाइट में, आज संडे है, और संडे ये केवल 2 दिन मार्केट लगती है, सैटरडे एंड संडे 4 बजे से मार्केट फुल हो जाती है, लेकिन ये दुकान वाले जो हैं ये जो है आ जाते हैं करीब करीब, इनकी दुकानें जो लगनी शुरू हो जाती है 12 बजे से लगनी शुरू हो जाती है, ये लोग अपना सामान लेके आते हैं अपनी अपनी जगह से, फिर यहाँ पे स्टॉल सजाना शुरू करते हैं। लेकिन बस यहाँ की एक नियम ये है कि अगर आप 100 दरहम जमा होते हैं एक स्टॉल दुकान लगाने के, अगर आप दुकान लगाना चाहते हैं तो आप भी आके अपना एक दुकान लगा सकते हैं, कोई भी सामान जो है अपना ला के जो है अपना बेच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको 100 दरहम की डिपॉजिट देनी पड़ती है, जो आपका लीगल वहाँ पे ऑफिस बनी हुई है उस मार्केट के लिए, वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है? तो वो आपको प्रमोट करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यानी बनाते हैं, ठीक है?
फिर आप वो 100 ग्राम का जो आपको स्टॉल एक दिया जाता है, फिर आप वो स्टॉल पे जो है अपना काम करेंगे। अगर आपने साफ सुथरा करके जो है वो स्टॉल दूसरे दिन जो है उसी दिन जिस दिन मार्केट लगी लगाया आपने दुकान, अगर आपने उसको साफ सुथरा किया है तो आपको 100 ग्राम जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी आपका फीस नहीं लिया जाएगा। वो 100 ग्राम इसलिए लेते हैं कि सिक्योरिटी रहे कि आप साफ सफाई जो है प्रॉपर तरीके से करें। इस तरीके से अगर आप जो है साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपका 100 ग्राम जो है वो आपका जो है उधर सफाई कर्मी जो है अपना साफ सफाई के लिए वो आपका काट लेंगे। तो 100 ग्राम लेने का मकसद ये है कि आपको केवल जो है साफ सफाई के इश्यूज के लिए जो है सिक्योरिटी मनी उनके पास जमा होती है। बढ़िया, ये समझिए बहुत अच्छा, ये हम आ गए हैं, ये यानी फूड है ड्राई फूड की तरफ। ये बहुत सारे सस्ते सस्ते यानी आप बहुत तरह के जो है आइटम, उसके बाद में ये एम्बर्ड है मसाले की तरफ, ठीक है, ये मसाला है हर तरह का जो है पिसा मसाला जो होता है ना उस तरीके से करी मसाला, और ये कपड़े की दुकान है भाई, एक से एक ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड अनब्रांडेड, ये जूतों की दुकान भाई एक से, मैं तो भाई हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने जो है हम कई आइटम करे, धर्मेंद्र गोरखपुर का जो बंदा है मेरे साथ, उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया है और वो अभी सामान पीछे खरीद रहा है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हुए चले आए हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना था कि इस मार्केट में और इस समय जो है मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, तो इसलिए जो है हम फटाफट जो है आपको जो है जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। वीडियो लंबी हो जाती लेकिन इसकी वजह से जो है हम आपको जो है इतना परेशान नहीं करेंगे और इतना टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ बस हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी अभी बहुत सारी दुकानें, ये अबाया की दुकानें देखिए कितनी प्यारी सी हैं, बहुत सस्ती सस्ती आइटम भाई, आपको शारजा आसमान में कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ के अलावा, ठीक है। बस ये समझिए कि ये सब सारे जितने भी खारजी लोग हैं ना उनकी खरीदारी के शॉपिंग के लिए बहुत बेहतरीन जगह है भाई। हाँ मैं कहता हूँ भाई अपनी जो भी खरीदारी शॉपिंग अगर करनी है, कम पैसे में चाहते हो, कम बजट में चाहते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं, तो ज़रूर आएँ भाई। ये देखिए हम आगे निकलते निकलते, ये हुकूमत का ये ऑफिस है, ठीक है, ये इस मार्केट का ऑफिस है और इसी मार्केट से आपका जो है लाइसेंस जारी होता है और आप जो है फिर अपना यहाँ पर एक दुकान स्टॉल लगा सकते हैं। ये देखिए हम आगे बढ़ते हुए और ये बाहर हम निकल आए हैं और इस तरीके से जो देखिए सब ये लोग जो खरीदारी करने वाले लोग थे ये भी बाहर आ चुके हैं और हम लोग देखिए जिस तरीके से ये मेन गेट है इससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये मेरा दोस्त और मेरा दूसरा दोस्त जो है वो अंदर है और वो अपना सामान जो है लेके आने वाला है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं और फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। हम लोग फाइनली जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और गपशप चल रही है और हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ से यार चलते चलते बहुत ये समझिए भूख लग गई थी और क्या इतना मार्केट घूमने के बाद और नाइट का शो है, डिनर तो करना ही है। अब हम आ गए थे खैबर पंजाब होटल में भाई, खैबर पंजाब की तो भाई खाने की बात ही अलग है। अगर यहाँ पे आप आते हैं ये लजीज खाने, अगर आप यहाँ पे आते हैं ना 6 बजे के टाइम, 6 से 8 के बीच, तो भाई आपको चेयर खींचना पड़ेगा, चेयर इतनी बिजी हो जाती है ये कि अब क्या बताऊँ। अगर कभी भी आप मुसफ़ा आई कार्ड में आएँ तो ज़रूर खैबर पंजाब का खाना खाएँ और फिर अपने टेस्ट बताएँ भाई, एकदम घर जैसा माहौल, इंडिया के जैसा माहौल, आप इंडिया को भूल जाएंगे कि आप लगेगा कि मैं इंडिया में हूँ, इतना टेस्ट।